हेलो एंड वेलकम इस वीडियो में आप कैनेडिक एनर्जी के बारे में सीखेंगे कि कैनेडिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या है और इसका जो फॉर्मूला है के इज इकल टू हाफ एम वी स्क्वायर इसको प्रूव कैसे करते हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेरीवेशन सो लेट स्टार्ट यहाँ पर आप अपने सामने देख सकते हैं इसका फॉर्मूला है और डेफिनेशन है फॉर्मूला इसका के इज इकल टू हाफ एम वी स्क्वायर है जहाँ एम मास होता है वी वेलोसिटी होती है काइनेटिक एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और सिंस ये एनर्जी है तो आपको पता है कोई भी जो एनर्जी होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है सो काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी अब इसकी जो डेफिनेशन है उसे देखिए काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च ऑफ इट्स मोशन तो जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की वो एनर्जी होती है जो इसकी मोशन की वजह से होती है तो अगर कोई कार है अपनी जगह पे खड़ी है तो उस पर कैनेटिक एनर्जी नहीं है बट अगर ये मोशन में है तो इससे चोट लग सकती है बिकॉज अब इसमें कैनेटिक एनर्जी आ चुकी है ऐसे ही अगर कोई पत्थर है वो अपनी जगह पे है तो उसमें कैनेटिक एनर्जी नहीं है लेकिन अगर पत्थर को फेंका गया है और वो मोशन में है तो वो डेंजरस है क्योंकि अब उसमें कैनेडिक एनर्जी है इसी तरह से बुलेट है अगर रखी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर बुलेट मूव कर रही है तो उसमें कैनेटिक एनर्जी है और दैट्स वाई इट इज़ डेंजरस तो अब आप समझ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और अब जो इसका फॉर्मूला है के इज एगोल्ड हाफ एम वी स्क्वायर इसको डिराइव करते हैं लेट देर बी अ बॉडी ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस तो एक बॉडी है जिसका कि मास एम है और इसको एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा गया है तो यहां पर यह एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और स्मूथ इसीलिए हम कह रहे हैं बिकॉज अगर स्मूथ नहीं है रफ है तो फिर इसमें फ्रिक्शन भी एक्शन में आता है और फिर सब कुछ चेंज हो जाता है बहुत सारी चीज़ें फिर चेंज होती है उसमें लॉस ऑफ एनर्जी होती है हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो सरफेस है वो स्मूथ है देर इज नो फ्रिक्शन अब यहाँ पे एक बॉडी है इस बॉडी का मास एम है अब इसमें एक फोर्स हम अप्लाई करते हैं इस फोर्स को अप्लाई करने से अगर ये बॉडी ऑलरेडी किसी मोशन में है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू है और फाइनली ये बॉडी मूव करके पहुंच जाती है फाइनल वेलोसिटी वी में तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया है जिससे बॉडी मूव होके यहाँ से यहाँ चली गई अब आप जानते हैं कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी में तो उसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो इसी वजह से यू से वेलोसिटी वी हो चुकी है ओके तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन ऑन द बॉडी तो जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी मूव करती है तो सपोज दैट हमने यहां पर एफ फोर्स अप्लाई किया है और ये बॉडी एस डिस्टेंस इसने मूव किया है तो वर्क हुआ है बिकॉज फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क भी हुआ है तो ये जो वर्क है दिस वर्क इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट अब फोर्स जो है ये आप जानते हैं कि फोर्स होता है मास इं एक्सेलरेशन तो ये हम लिख देंगे और राइट अब फोकस करो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे वट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस यह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो यहां पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस और अगर हम टू नीचे लेके आ जाएं तो वी स्क्वायर माइनस और यू स्क्वायर इज इक्वल अपॉन टू इज इक्वल टू ए एस तो यहाँ पर ये जो लिखा है इसका हम यूज करेंगे यहाँ से आप फोकस करो ए इंटू एस ए एस यहाँ पर भी ए एस है तो इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा मास इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू और ये हो जाएगा हमारे पास जो यहां पे इक्वेशन आएगी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर ये हमारा एक रिलेशन बना है ऑल राइट right, अब हमने यहां पर यह अज्यूम किया था कि यह जो बॉडी थी ये ऑलरेडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रही थी और बाद में वो वेलोसिटी इंक्रीज होके वी हो चुकी है बट अगर बॉडी रेस्ट पे थी यानी बॉडी अगर शुरू में मूव नहीं कर रही थी और हमने उसको फोर्स देके उसकी वेलोसिटी वी पहुंचा दिए इसका मतलब जितना हमने उस पर वर्क किया है वो सारा वर्क काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है तो यहां पर हम ये लिखेंगे तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि इफ बॉडी स्टार्ट्स एट रेस्ट दैट इज यू इजिकल टू जीरो देन द होल वर्क जितना भी वर्क है कन्वर्ट्स इनटू टू एनर्जी सारा वर्क कानेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसमें हम यू रखेंगे जीरो तो यू हो गया जीरो और जो वर्क डन है वो सारा कन्वर्ट हो चुका है कानेटिक एनर्जी में तो W की जगह पे कानेटिक एनर्जी आ जाएगा तो इसको पुट करो वहां पे तो देर फोर हमारे पास जो रिलेशन मिलेगा दैट इज कानेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और इस तरह से ये प्रूफ हो चुका है हैंस प्रूफ और राइट तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से हम प्रूफ करते हैं कैनेडिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ़ एम वी स्क्वायर और कैनेडिक एनर्जी आपको समझ भी आया होगा कि क्या है इसका पूरा डेरिवेशन जो मैंने आपको यहाँ पे कराया है ये आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केयर